दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किसी भी ऐप का इंटरनेट कैसे बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ऐप का इंटरनेट कैसे बंद करना है, तो अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी आपका फ़ोन यूज़ करता है दोस्तों, ये सेटिंग अगर आप कर देते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी किसी भी ऐप को खोलेगा तो भैया वहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं जाएगा, कोई भी आप मैसेज करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताऊँगा किसी भी ऐप का इंटरनेट या कहीं नेट किस तरीके से बंद कर सकते हैं। ऊपर चलेगा लेकिन उसे भैया बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि नेट तो भैया चल रहा है ऊपर इस तरीके से, लेकिन ये ऐप क्यों नहीं चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी ऐप का इंटरनेट या नेट कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए, मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको आ जाना है अपनी मोबाइल की स्क्रीन के सामने इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद आपको क्या करना है, दोस्तों आपके मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मोबाइल की सेटिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे की तरफ आना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, आपके फोन में ऐप भी हो सकता है, एप्लीकेशन मैनेजर भी हो सकता है। तो ऐप मैनेजमेंट हमने क्लिक कर दिया इस तरीके से। अब आपके फोन में यहाँ पे ऐप लिस्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मैनेज ऐप पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये खुल जाए। अब यहाँ पे हमें चाहिए भैया, हमें बंद करना है व्हाट्सएप का इंटरनेट, ठीक है। तो व्हाट्सएप का इंटरनेट बंद करने के लिए आपको क्या क्या करना है, दोस्तों सीधा आपको जाना है व्हाट्सएप में इस तरीके से यहाँ पे। तो आप दोस्तों यहाँ पे डाटा यूज डिटेल्स पे क्लिक करना है इस तरीके से। दोस्तों यहाँ आप क्लिक करोगे यहाँ पे डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आप ऑन करेंगे इस तरीके से आपको बाहर आ जाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बाहर आओगे, आपको सीधा जाना है अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाओगे दोस्तों, कीप डिसेबल्ड यहाँ पे ये होगा और एक अलाव होगा, तो कीप डिसेबल्ड पे क्लिक करना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपको कोई भी, अगर आप मैसेज भेजेंगे, आपको कोई भी मैसेज भेजेगा कुछ भी करे, यहाँ पे आपका व्हाट्सअप इंटरनेट इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। आपके व्हाट्सअप में इंटरनेट नहीं चलेगा दोस्तों, इस सेटिंग को इस तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं और भी ऐप में बता के दिखाता हूँ। दोस्तों आपको सीधा जाना है मोबाइल की सेटिंग में। अब दोस्तों मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट पर फिर से क्लिक करना है, वही सेटिंग आपको फिर से वहीं चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देख लेना है किसे आपको बंद करना है, किस ऐप को आपको बंद करना है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों कई आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब दोस्तों अगर आप बताता हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आना है, डाटा यूज डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों ऑन कर देने हैं, ठीक है, डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई। इस तरीके से करने के बाद बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद दोस्तों आपको सीधा जाना है इंस्टाग्राम में। तो चलिए हम इंस्टाग्राम पे इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इंस्टाग्राम को यहाँ ओपन किया तो इस तरीके से कीप डिसेबल्ड अलाव आएगा, तो आपको कीप डिसेबल भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मैसेज आएगा कुछ भी होगा भैया, यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल आपके फोन में नेट नहीं चलेगा। फोन में नेट तो चलेगा सॉरी, लेकिन आपका जो हमने यहाँ पे जो सेटिंग लगाई है व्हाट्सअप में इंस्टाग्राम में, वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं चलेगा, ना मैसेज आएगा ना जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको फिर से आपको कैसे सही करना है, तो आपको सीधा जाना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आप जाओगे इस तरीके से, ऐप मैनेजमेंट में आपको जाना है, ऐप लिस्ट में जाना है। अब दोस्तों सीधा आपको चले जाना है उसी ऐप में जो आपने सेटिंग ये कर रखी थी। दोस्तों हमने व्हाट्सएप में की थी, व्हाट्सएप पे हमने क्लिक किया और डाटा यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, ये दोनों डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये अनेबल थे डिसेबल कर दिए हैं। दोस्तों इस तरीके से ये देखो हो गए हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं, फिर मैंने किया था यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे हमने टैप किया, तो इंस्टाग्राम पे डाटा यूज डिटेल पे क्लिक किया, तो दोस्तों ये देखो ऑप्शन हमने दोनों इस तरीके से कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकल के आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे चलेंगे तो कीप डिसेबल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से, ये देखो आपका इंस्टाग्राम फिर से चलने लगा है। दोस्तों इस तरीके से आप इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सअप या कहीं किसी भी ऐप में ये सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, आपकी यूजफुल वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आपका अगर फोन कोई दोस्त ले लेता है तो वहाँ पे मैसेज वगैरह आने का डर रहता है, तो वहाँ पे पढ़ लेता है। दोस्तों इस सेटिंग को आपको कर दोगे तो आपका दोस्त कोई भी आपके मैसेज भी नहीं पढ़ पाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर देना होगा। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।